चैनल वंस अगेन, माय नेम इज केली। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये वाला लुक, एंड ये मैंने स्पेशली क्रिएट किया है अपकमिंग बसंत उत्सव या फिर आप इसे फाल्गुनी फेस्टिवल में भी क्रिएट कर सकते हो या फिर होली स्पेशल मेकअप भी आप बोल सकते हो। एंड ये वाला मेकअप मैंने क्रिएट किया है ओनली अंडर 10 रुपीज में। सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि मैंने कौन से प्रोडक्ट इसमें यूज किया है एंड स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए लेट के स्टार्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैंने पे यूज़ कर रही हूँ डाबर गुलाबरी का ये रोज़ वाटर, क्योंकि 10 रुपीज़ में कोई भी टोनर नहीं मिला है मुझे एंड मिलता भी नहीं आई थिंक, तो उसे डैप डैप करके लगाना होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ जॉय का ये एलोवेरा मॉइस्चराइज़र। आप देख सकते हैं खाली ही हो चुका है ऑलमोस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉइस्चराइज़र है अंडर 10 रुपीज़ में। तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये वाला काजल, ये मार्केट लोकल मार्केट में 10 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएगा। तो इससे ही मैं अपना आईब्रो फिल करूँगी, क्योंकि 10 रुपीज़ में कोई भी आईब्रो क्रीट आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए लगेगा एक एंगल ब्रश एंड उसी से ही मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ। बट इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे टाइम भी लग गया है इसे फिल करने में। नेक्स्ट मैं फेस के लिए यूज़ कर रही हूँ ये फेयर एंड लवली का ये वाला क्रीम, क्योंकि मुझे कोई कुछ भी नहीं मिला है 10 रुपीज़ में, सिर्फ यही मिला था तो इसी से ही काम चलाना पड़ रहा है। ये हाथों से ही इजीली ब्लेंड हो रहा था तो ब्यूटी ब्लेंडर मुझे पहले नहीं लगा यूज़ करना, बट फोरहेड पे जब मैं इसे ब्लेंड कर रही थी हाथों से, आप देख सकते हैं कि ऐसा पैची पैची हो रहा था, तो इसीलिए मुझे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना ही पड़ा। तो एक्सेस जो प्रोडक्ट था उसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो 10 रुपीज़ में आपको आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो काम चलाने के लिए ठीक है। नेक्स्ट मैं कॉन्सीलर के लिए वही सेम फेयर एंड लवली का ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कोई कॉन्सीलर नहीं मिलता है गाइस इसी वजह से। तो आँखों में अच्छी तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाला लिपस्टिक, ये 10 रुपीज़ में मिलता है। देखने में ग्रीन कलर है बट ये कलर चेंजिंग लिपस्टिक है, ये काइंड ऑफ हल्का हल्का पिंक कलर दिखेगा, तो इसी को ही मैं एज अ ब्लश यूज़ करूँगी। तो गाइस, 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ से बहुत सारे यूट्यूबर ने मेकअप वीडियो किया है, तो उनके पास जो जो प्रोडक्ट होता है मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ में, सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट से ही मैं आज मेकअप शूट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट मैं फेस को सेट करने के ये पॉन्स का पाउडर ले रही हूँ एंड भर भर के मैं अपने फेस पर थोप रही हूँ, क्योंकि फेयर एंड लवली से कुछ भी नहीं फ़र्क दिखा है मुझे इसी वजह से। तो अच्छे से पाउडर को सेट करने के बाद मैं अभी स्टार्ट करूँगी अपना आई मेकअप, क्योंकि 10 रुपीज़ में कुछ भी नहीं मिला है। तो मैंने सोचा ये काजल से ही थोड़ा सा स्मोकी आई लुक मैं क्रिएट कर दूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मैं काजल ही यूज़ किया है, कोई भी आई शेडो मैंने यहाँ पर नहीं यूज़ किया है। काजल को अच्छे से धीरे धीरे ब्लेंड करने के बाद ऐसा रिजल्ट आया है, तो ये करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ब्लेंडिंग का ही गाइस फंडा है, अगर आप आई शेडो या फिर काजल अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो तो आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो सेम काजल से ही मैं ये काजल लगा रही हूँ एंड लिप्स के लिए वही सेम कलर चेंजिंग लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस, यहाँ पे एक बात है, क्योंकि 10 रुपीज़ में मैंने फुल फेस मेकअप कर लिया है बट हाइलाइटर के बिना तो मेकअप अधूरा है, तो इसीलिए आई एम सो सॉरी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये चीटिंग किया है हाइलाइटर के लिए, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये सुस ब्यूटी का ब्लश एंड ग्लो हाइलाइटर, तो इसी से ही मैं अपना मेकअप कंप्लीट कर रही हूँ। तो इसके अलावा मैंने और कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ किया है 10 रुपीज़ से ऊपर। तो या दैट इज़ माय फाइनल लुक गाइस।